separate crops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. कभी मार्केट गए होगे वेजिटेबल मार्केट तो वहाँ पर देखोगे कुछ पैकेट्स में मशरूम जैसा मशरूम्स भी बेचे जाते हैं और कुछ लोगों को पसंद भी होते हैं. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ठीक है, और कभी कभी बारिश के समय देखा होगा जो लकड़ी होती है उसके ऊपर भी कुछ अम्ब्रेला लाइक से पैचेस ग्रो हो जाते हैं. फिगर 1.7, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये पैकेट ऑफ मशरूम है यहाँ पर देख सकते हो. और ये मशरूम जो दूसरा वाला दिखा रखा है, ये जैसे कि कहीं पर ज़्यादा ह्यूमस होता है मिट्टी के ऊपर भी, ये ऐसे अम्ब्रेला जैसे ग्रो हो जाते हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. ठीक है, आप हमें ये पता करना है ये जो मशरूम है इसके अंदर कौन से टाइप का न्यूट्रिशन हमें मिलता है, कैसे सर्वाइव करते हैं ये, कैसे अपने आप से जम जाते हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं इनकी जमने की, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इनको जमने के लिए. एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर. आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी में बोला है कि आपको ब्रेड लेना है और उसको थोड़ा सा गीला कर देना है पानी से. लीव इट इन अ मॉइस्ट वॉर्म प्लेस फॉर 2-3 डेज. अब कुछ समय तक के लिए आप उसको छोड़ देना जहाँ पर थोड़ा गर्मी में हो और थोड़ा पानी जैसा भी हो. और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन देम, या फिर 2-3 दिन तक छोड़ दो, या फिर आप जब तक उसमें कुछ अजीब सा दिखने ना लग जाए ग्रीन ग्रीन कलर का तब तक आप उसे छोड़ दो. फिगर 1.8, दीज पैचेस मे बी वाइट ग्रीन ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर. ठीक है, जो पैचेस ग्रो होंगे ब्रेड के ऊपर वो कोई भी कलर के हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन और कोई भी कलर. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, जो पैचेस ग्रो हुए आपके ब्रेड के ऊपर उसको आपको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास. ये देख सकते हो फिगर 1.8, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड. ठीक है, ये ब्रेड था उसको उन्होंने पानी से गीला कर दिया कुछ समय तक के लिए, 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा गीला और गर्म जगह पे रख दिया था तो उसके ऊपर थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का जब इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसे ग्रीन ग्रीन सा अजीब सा दिखने लग गया था. ठीक है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड. ठीक है, आप साथ क्या देखोगे उस पर ब्रेड के ऊपर कुछ कॉटन जैसा और कोई थ्रेड जैसा ब्रेड के पीस के ऊपर जमा हुआ होगा. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, और इनको क्या कहा जाता है जो ये जम जाते हैं ब्रेड के ऊपर, इनको क्या कहा जाता है, फंगी कहा जाता है. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जो फंगी होते हैं इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये अलग तरीके से अपना खाना लेते हैं. दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकिंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इन टू अ सॉल्यूशन. ठीक है, जो ये फंगी होती है, जैसे ही आपने इसको ब्रेड को गीला कर दिया तो एक तरह से देखा डेड हो गया, जो मरे हुए चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ जो खराब है, खराब हो रही है, सड़ रही है, तो वो अपने जूसेस सिक्रीट करता है ये फंगी और उसको कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्यूशन में. ठीक है, देन दे एब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. फिर ये जो फंगी है उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके लायक उसे क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, ले लेता है, उसे खा लेता है, सोख लेता है. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें से ऑर्गेनिज्म कोई सॉल्यूशन ले मरे हुए चीज़ों से, डेड एंड डिकिंग, ठीक है, गले हुए और सड़े हुए चीज़ों से अपना मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले, अपना खाना ग्रहण करें. ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं ऐसे न्यूट्रिशन को. प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. ठीक है, ऐसे प्लांट जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड को अपनाते हैं, सड़े गले चीज़ों पे से अपना खाना लेते हैं, उनको सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है. फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, फंगी ना हर किसी चीज़ पे भी हो जाती है, खाने की चीज़ों पे भी हो जाती है, अचार है उस पर कभी देखना, फपूंदी, मम्मी बोलती है ना फपूंदी आ गई है, वाइट कलर का जम जाता है, तो वो क्या होता है,
फंगी होती है, लेदर के कपड़ों में देखना या फिर लेदर के शूज़ होते हैं अगर उसमें उनमें ज़्यादा गर्मी और थोड़ा गीले भी हों और गर्म जगह पे रख दो आप, कुछ समय बाद देखोगे उसमें भी फंगी आ जाएगी, क्लोथ्स भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें पे लग जाती है ये फंगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, ठीक है, ज़्यादातर फंगी कब आती है, बारिश के समय में आती है, बारिश के सीज़न में। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछना है कि फंगी कहाँ कहाँ पर लग गई है आप घर में जब बारिश हुई थी तो। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगी होती है वो हमेशा हवा में होती है। वैन दे लैंड ऑन वेट एंड वॉर्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब वो कोई गीले या फिर कुछ गर्म जगह पर कुछ ऐसा सामान मिलता है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, लैंड कर लेते हैं, वहाँ पर वो उतर जाते हैं कह सकते हो, वहाँ पर जमने लग जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं वहाँ पर। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, क्या आप अब बता सकते हो कि हम अपनी चीज़ों को जैसे फंगी से बचा कैसे सकते हैं, जैसे पिकल है उसको फंगी लगने से कैसे बचा सकते हैं हम, लेदर के जो कपड़े हैं, लेदर के शूज़ हैं हमारे, जो क्लोथ्स हैं ज़्यादातर उसमें फंगी लग जाते हैं, उन्हें कैसे बचा सकते हैं हम। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, और अपना शेल्टर भी, अपना घर भी और अपना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके, जो खाने पीने के जो न्यूट्रिशन कह सकते हो जिनको मिलता है, जिनसे वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टिन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज़, अब फंगी ट्रीज़ पे भी रहती हैं, ठीक है, तो जो ट्रीज़ के जो रूट होती है ना उस पे भी फंगी पाई जाती है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, अब फंगी क्या करती है ट्री को कैसे हेल्प करती है, ट्री जो ट्री है वो फंगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो फंगी है वो रिटर्न में उसको क्या देती है, पानी और जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं वो क्या बोलते हैं ट्री तक पहुंचाती है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ट्री के लिए। आप जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना वो अपना खाना भी शेयर करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं अपना खाना भी शेयर करते हैं, जहाँ रहते हैं तो बोलते तुम भी इधर रह जाओ, ठीक है, ऐसी ऐसा रिलेशनशिप ना फंगस और ट्रीज़ के बीच में भी होता है। फंगस क्या करता है, ट्री से न्यूट्रिशन लेता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उससे लेता है, और फिर फंगस ट्री से न्यूट्रिएंट्स लेता है क्योंकि ट्री उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ट्री उसकी हेल्प कर रहा है, ऐसी फंगस भी उसकी ट्री की हेल्प करती है, कैसे, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में सॉइल से ट्री के लिए, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एंड एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर, अब एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, एक लिचिंस एक होता है एक ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, ठीक है, और एल्गा और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गा आपने हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एल्गा क्या होता है, जो पानी के ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस जो उग जाते हैं होता है ना, तो ऐसे ही फंगस के अंदर फंगस को क्या करता है, वो क्लोरोफिल प्रोवाइड करते हैं, वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, ठीक है, फंगस क्या करता है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गा को, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इज़ प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और एल्गा क्या करता है उसको खाना देता है जो एल्गा फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। एल्गा कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो खाना अपने आप बना सकता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। किसके प्रोसेस के थ्रू बनाता है खाना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसलिए एल्गा और फंगस भी बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं।